मुझे एक लड़के ने पहले सीख दी थी कि आप गेनर ले लो, आपका अच्छा साइज आ जाएगा जी। तो उस गेनर से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था, उसने मेरे चेहरे पर फुंसियाँ और चेहरे को फुला दिया, बेकार साइज आया था और उससे मेरा लीवर कमज़ोर हो गया एंड मेरा बीमार हो गया था। मैंने भैया के यूट्यूब पे चैनल पे मैंने वीडियो देखी थी, मैं उसको देखकर यहाँ पर आया था। बहुत से लोगों ने बताया था कि ये अच्छे अच्छे गेनर मिलते हैं यहाँ पर और अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं, ओरिजिनल मिलते हैं। मैं इस सबको ये सलाह देना चाहता हूँ, भैया से आकर पूछें और गेनर वेनर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। सप्लीमेंट खरीदते टाइम के काफ़ी काम आने वाली हैं। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई सीखने लायक वीडियो के साथ। फेक माफिया कितना एक्टिव है और किस हद तक आपको नुकसान पहुँचा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे साथ में सचिन जी, जो कि स्पेशली आए हैं ओरिजिनल सप्लीमेंट लेने के लिए सप्लीमेंट विला पर। और भाई मेरे लोकल एरिया से ही हैं, ज़्यादा दूर से नहीं हैं। मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि आप अभी विजिट ना कीजिए, क्योंकि कोरोना का आपको पता ही है कि क्या चक्कर चल रहा है और अभी गवर्नमेंट्स की भी जो है एडवाइजरी अलग अलग एरिया में, तो आप घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। भाई आए हैं, भाई को अच्छे से सैनिटाइज वगैरह करा दिया है, भाई का बहुत बहुत स्वागत है। सचिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दोस्तों सचिन का एक एक्सपीरियंस है फेक माफिया के अगेंस्ट जो कि आपको बहुत काम आएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और बिगिनर जो देख रहे हैं ना, जो सप्लीमेंट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं पहली बार, उनके लिए वीडियो काफी काम की रहेगी। सप्लीमेंट विला का यही गोल है कि फेक माफिया के अगेंस्ट हम खड़े हो सके। तो सबसे पहले भाई से जानते हैं कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है, सारी चीजें। तो सचिन, हेलो फ्रेंड्स, मैं आकेड़ा गांव से आया हूं के पास से। मुझे एक लड़के ने पहले सीख दी थी कि आप गेनर ले लो, आपका अच्छा साइज आ जाएगा जी। तो उस गेनर से मुझे काफी नुकसान हुआ था, उसने मेरे चेहरे पर फुंसियाँ और चेहरे को फुला दिया, बेकार साइज आया था और उससे मेरा लीवर कमज़ोर हो गया एंड मेरा बीमार हो गया था। सचिन कितनी पुरानी बात हो गई है? इसे एक साल हो गया। एक साल हो गया इस बात को। अच्छा, उस टाइम पे आपको जो है गेनर वगैरह के बारे में कुछ नॉलेज थी या नहीं थी? आप नहीं थी। दोस्तों देखा आपने, यहाँ सीखने लायक चीज़ क्या है, इसीलिए मैंने कहा था कि बिगिनर्स के लिए वीडियो है। दोस्तों जो फेक माफिया होता है ना, उनका जो शिकार हैं वो होते ही बिगिनर्स हैं, क्योंकि यार ऑलरेडी नेचुरल सी बात है कि आप जो है 3-4 साल से सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, आप जानते हैं उनके बारे में, तो यार आपको कोई क्या फंसा सकता है, आपको सारी नॉलेज है। फिर आप अगर फंसे भी इतने एक्सपीरियंस के बाद, तो लालच के बेस पे फंस सकते हैं कि आप सस्ता ढूंढ रहे हैं कि ये ऑफ़र आ रहा है ऑनलाइन, वो ऑफ़र आ रहा है, और सस्ते के चक्कर में फिर जो है फेक माफिया के चुंगल में आ जाते हैं, देन उसके बाद में फिर नुकसान होता है। बाकी वैसे उनका जो मेजरली जो टारगेटेड होता है एरिया जो होता है, पीपल जो होते हैं उनके टारगेटेड लोग होते हैं, वो होते हैं बिगिनर्स, जैसे कि सचिन थे। अच्छा सचिन, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर मैं बीमार हो गया था, तो बिल्कुल मामूली हो गया था, सूख गया था, बहुत बुरा हो गया था मेरा हाल। और सचिन, जो ये तुम्हारे फेस पे स्टिल जो हम जो है ये निशान देख रहे हैं, ये उसी टाइम के हैं या फिर? उसी टाइम के, जब से गए नहीं है ये, तब से गए नहीं है निशान? नहीं गए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि भाई का जो है फेस स्टिल जो है आप देख रहे हैं निशान पड़े हुए हैं, तो इनको पिंपल्स हुए थे काफ़ी बुरी तरीके से, और बता रहे हैं कि शरीर फूल गया था और लीवर में प्रॉब्लम आई। तो यही होता है जब आप फेक सप्लीमेंट्स लेते हैं। दोस्तों फेक सप्लीमेंट्स में बहुत तरीके की इलीगल जो ड्रग्स होती हैं वो डली हुई होती हैं, जो कि टेम्परेरी नो डाउट आपको कुछ ना कुछ, मैं कहूँगा कि वो रिजल्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ आपको जो है गेनिंग करा सकती हैं, बट दोस्तों वो गेनिंग जो है आपकी सेहत को भी नुकसान करेगी और वो टिकेगी भी नहीं, जैसा कि सचिन के हुआ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि सचिन के जो चेहरा है वो स्टिल जो है खराब है और अभी भी जो अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो लीवर भी खराब हुआ, पैसे भी बर्बाद गए। अच्छा सचिन, कोई GST बिल वगैरह उसका कुछ मिला था? कुछ भी नहीं दिया था। और कितने का लिया था वो? 4,000 का दिया था। 4,000 रुपए दोस्तों। और क्या था वो, गेनर था प्रोटीन था? वो गेनर था हार्ड कोर, कुछ बता रहे हैं भाई वो गेनर था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 4,000 रुपये भी पानी में गए, विश्वास भी टूट गया, शरीर को नुकसान भी हुआ। यही चाहता है फेक माफिया, उसे बस पैसे से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों सप्लीमेंट विला का गोल है फेक माफिया के अगेंस्ट खड़े रहेंगे, आपको अवेयर करते रहेंगे और ओरिजिनल सप्लीमेंट्स आपको मिलेंगे सप्लीमेंट विला पर हमेशा ही। तो इसलिए सप्लीमेंट विला चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि हम एक दूसरे की स्टोरीज से इंस्पायर हो सकें, जान सकें, हम सावधान हो सकें, अवेयर हो सकें दोस्तों। और आप सप्लीमेंट विला को हमेशा याद रखो जब भी ओरिजिनल सप्लीमेंट्स अगर आपको खरीदने हैं, क्योंकि सप्लीमेंट विला की कोरियर सर्विस अवेलेबल है, तो कोई परेशानी नहीं आने वाली। आप काफ़ी बार कहते हैं कि मैं बहुत दूर रहता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो किसी भी सप्लीमेंट का ऑर्डर डालने के लिए। और सचिन से अब हम जानते हैं कि सचिन क्या एडवाइस देना चाहेंगे। सचिन क्या एडवाइस देना चाहोगे सबको? भैया पहले आप जांच पड़ताल करो, उसके बाद गेनर खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि
बहुत से नोकल दिवा देते और काफ़ी नुकसान होता है जी। तो दोस्तों भाई ने बताया आपको कि अच्छे से जांच पड़ताल करो, और यही मैं आपसे कहता हूँ कि यार जब आप 4-5 हज़ार रुपये डाल रहे हो किसी चीज़ में, तो आप का राइट बनता है कि उसके बारे में आप इंक्वायरी करें, कौन इंपोर्टर चल रहा है, क्या इसके रिव्यूज़ हैं। इसके लिए सप्लीमेंट विला चैनल आपके सामने हाजिर है, सारी वीडियोज़ बनाते हैं हम। और दोस्तों एक चीज़ आप ज़रा सोचिए कि जब आप कोई टीवी, फ्रिज, एसी, प्रेस, एक्स वाई जेड कुछ भी लेने जाते हैं यार, उस शॉप पर वो जो एक्सटर्नल चीज़ है जिसका बाहर यूज़ करेंगे, शरीर के अंदर नहीं, शरीर से बाहर यूज़ करेंगे, उसके बारे में इतने सवाल करते हैं, जवाब करते हैं, देखते हैं, रेटिंग्स देखते हैं, सारी चीज़ जो है आप जानते हैं क्या फ़ीचर्स हैं इसमें, सारी चीज़ें। और जब आप कोई सप्लीमेंट लेने जाते हैं तो किसी ने कुछ भी बोल दिया और आपने ले लिया, मतलब उसके बारे में पूछते भी नहीं है, क्यों है ऐसा। दोस्तों आप हर चीज़ को ख़रीदने से पहले जांच पड़ताल करें, क्या रिव्यूज़ हैं, कैसे क्या रिजल्ट हैं इसके, कौन इसके ऑथराइज इंपोर्टर हैं, सारी चीज़ें। और उसके लिए सप्लीमेंट विला चैनल आपके सामने हाजिर है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जानते हैं कि सचिन क्यों आए हैं यहाँ पर, कैसे यहाँ तक पहुँचे और क्या इन्होंने ख़रीदा है। तो सचिन बताइए। मैंने भैया के यूट्यूब पर चैनल पर मैंने वीडियो देखी थी, मैं उसको देख कर यहाँ पर आया था। बहुत से लोगों ने बताया था कि ये अच्छे अच्छे गेनर मिलते हैं यहाँ पर और अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं, ओरिजिनल मिलते हैं, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। और सचिन क्या लिया आपने, दिखाइए एक बार। दोस्तों सचिन ने लिया है RC प्रो एंटियम। दोस्तों सचिन जब मेरे पास आए तो सचिन ने बोला कि भैया मेरे को जो है ना वेट से मतलब नहीं है, वेट बढ़े ना बढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मसल साइज आना चाहिए। तो दोस्तों आपको ही पता है कि RC प्रो एंटियम हो गया, सिंथासिक्स हो गया, नाइट्रोटेक हो गया, नाइट्रावे हो गया, ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि मसल साइज गेनिंग में मैं कहूँगा कि मोस्ट फेमस हैं, और आपने भी जो है इनका नाम जरूर सुना होगा। नंबर वन पे तो RC प्रो एंटियम आता है, और मे भी शायद 1-2 किलो वेट इंक्रीज कराएगा ये। तो अगर आपको भी गेनिंग करनी है तो RC प्रो एंटियम बेस्ट प्रोटीन है, और मैं प्रोटीन नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा गेनिंग प्रोटीन। दोस्तों इसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं है, इसमें आपको थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, थोड़ा फैट भी मिलेगा, मतलब आपका वेट भी इंक्रीज होगा और मसल साइज तो आएगा ही आएगा। अगर सप्लीमेंट फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ बताया भी हुआ है कि एक स्कूप है 44 ग्राम का, टोटल सर्विंग 52 है, एक स्कूप में कैलोरीज 190, टोटल फैट 3 ग्राम। अब ज़्यादा नहीं है पर स्टिल जो है 3 ग्राम फैट है यहाँ पर। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स हैं 10 ग्राम जो कि वेट गेनिंग में थोड़ी थोड़ी आपकी हेल्प करेंगे। प्रोटीन यहाँ दिया हुआ है 30 ग्राम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम भी यहाँ है। प्रोटीन की फॉर्म देखते हैं तो वे प्रोटीन कंसंट्रेट, मिल्क प्रोटीन आइसोलेट, कैल्शियम कैसीनेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और कैसीन प्रोटीन का ब्लेंड है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और मिल रही है जो कि मसल बिल्डिंग में, स्ट्रेंथ गेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। एक कमी रह गई है, पर कंपनी को शायद मेंशन करना चाहिए था कि यार कितना ग्राम क्रिएटिन है, कहीं ऐसा तो नहीं है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लिख दिया और पता लगा क्रिएटिन है इसमें 1 ही ग्राम। तो थोड़ा मेंशन करना चाहिए था। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि 3-5 ग्राम की सर्विंग इसमें होगी, क्योंकि इसकी जो पुरानी पैकिंग आती थी उसमें क्रिएटिन 5 ग्राम होता था, तो मे भी शायद इसमें 3-5 ग्राम की सर्विंग हो, बट मेंशन करना चाहिए था। क्रिएटिन दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपकी बॉडी में ATP सप्लाई करेगा क्रिएटिन सप्लीमेंट, मसल्स को हाइड्रेट रखेगा, स्ट्रेंथ गेनिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, तो क्रिएटिन अलग से लेने की जरूरत नहीं है अगर आप RC प्रो एंटियम लेते हैं। प्राइस की बात कर लेते हैं तो GMC ऑथराइज इंपोर्टर है, जिनका टैग ये रहा। दोस्तों GMC हैं इसके ऑथराइज इंपोर्टर, जिन्होंने MRP दिया हुआ है 6,999, बट सप्लीमेंट विला पर इसका सेलिंग प्राइस है सिर्फ 5200 रुपये। 5200 रुपये में मिलेगा आपको ये 100% ओरिजिनल विद GST बिल। सचिन इस बार तो GST बिल मिला है आपको? मिला है, दिखाइए एक बार। तो दोस्तों ये रहा सप्लीमेंट विला का GST बिल, आपको हमेशा ये बिल जरूर लेना है। इस बिल के बहुत फ़ायदे हैं, अगर मैं टॉप 2 फायदे आपको बताता हूँ तो इसके जो फ़ायदे हैं 2। पहला कि बिना GST बिल के ओरिजिनल सप्लीमेंट मिल ही नहीं सकता, आप खुद सोचिए USA का प्रोडक्ट है, वहाँ से आ रहा है तो सारे टैक्सेस ड्यूटीज़ वगैरह क्लियर करके आ रहा है, तो बिना GST के नहीं आ सकता यार। दूसरी चीज़, आपके पास GST बिल है, अगर बाई चांस इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आप कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, कोई लीगल एक्शन लेना चाहते हैं, तो इसके बेस पर आप कुछ भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये हैं फ़ायदे GST बिल के। तो दोस्तों GST बिल ज़रूर लें, और कभी भी ये ना सोचे कि यार इस पे 400-500-600 रुपये का टैक्स लग जाएगा। नो डाउट यार 18% टैक्स तो इन पे है ही, गवर्नमेंट ले रही है हमसे। दोस्तों मैं एक बार सचिन से जानता हूँ कि सचिन ने इसके ऊपर जो है टैक्स पे किया है 600-700 रुपये का, भाई ने टैक्स भी भर दिया है, इतना महंगा सप्लीमेंट लिया, जो कि फेक माफिया कहता है आपसे, बिगिनर से यही तो कहता है, अरे क्यों महंगे सप्लीमेंट लेने, सस्ते ले ले, GST क्यों देनी, 18% बच जाएगा, इसकी जगह कुछ और सप्लीमेंट ले लेना। मैं पूछता हूँ सचिन से कि सचिन पर क्या फ़र्क पड़ा, भाई ने इतने पैसे 700-800 रुपये इस पर एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, सचिन बताओ कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूँ, भैया से अगर पूछें और गेनर वेनर लें जी, GST बिल के साथ गेनर लें अपना।
तो दोस्तों भाई ने आपको एडवाइस कर दिया कि जीएसटी बिल के साथ लें, ओरिजिनल लें, और भाई कह रहे हैं कि जो है सप्लीमेंट विला से आप ले सकते हैं, और सप्लीमेंट विला जो है बेस्ट ऑप्शन है भी आपके पास, क्योंकि हमेशा ओरिजिनल भी जीएसटी बिल करंट इम्प्रोडक्ट फ्रेश लोड के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको भी मसल साइज गेन करना है तो आरसी प्रो एंटियम दी बेस्ट है। दोस्तों भाई की इस स्टोरी से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और भाई ने अपनी स्टोरी शेयर की हम सब के लिए ताकि हम सब अवेयर हो सकें, उसके लिए मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सचिन बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर तो कीजिएगा यार, किसी भाई का भला होगा उसमें, दोस्तों आपको ही फ़ायदे होंगे, और हम सब जब इकट्ठे आएंगे ना फेक माफिया के अगेंस्ट तभी बच सकते हैं। अदरवाइज़ मैं सोचूं कि मैं अकेला लड़ लूँगा, भाई नहीं लड़ सकता मैं, सचिन भी अकेले नहीं लड़ सकते, हम सबको आना पड़ेगा, और अवेयरनेस के थ्रू, कोई फिजिकल फाइट नहीं करनी हमें, अवेयरनेस के थ्रू हम जो है उससे लड़ेंगे। तो सप्लीमेंट विला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।